हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, एक बार फिर से है आपसे रिक्वेस्ट कि प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। तो देखिए, मैं एक्चुअली अभी जो है ये क्लास 7 का बता रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट आया था मेरे को। तो ये देखिए, ये मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसी का मैं ये क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ये थोड़ा सा है टिपिकल, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार समझेंगे तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑब्टेंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ। कहने का मतलब ए बी सी डी एक आपका इस तरह से जो है ये आपका स्क्वायर है, और सभी साइड के जो मिडिल पॉइंट्स है, जैसे इसका ई मिडिल पॉइंट है, इसका एफ है, इसका जी है, इसका एच है, ये जो मिडिल पॉइंट है ये सभी को मिलाने पर एक हमारा और स्क्वायर बनता है ई एफ जी एच। तो इसका स्क्वायर निकालना है, यानी आपको ये पहले क्या करना होगा, आपको पहले इसका वैल्यू निकालना होगा। यदि इस स्क्वायर में यदि एक साइड आपको मालूम हो जाएगा तो आप बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या उपाय है, एक एक करके हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट या गिवन, आप चूंकि लेट की बात नहीं, यहाँ पे गिवन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है हैविंग एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर आप सीधे लिखेंगे यहाँ पे ईच साइड ऑफ ए बी सी डी। देखिए ईच साइड जब होगा तो आप ये जानते हैं कि साइड इंटू साइड जब होता है वो क्या होता है, आपका स्क्वायर का एरिया होता है। तो जब ईच साइड निकालना होगा तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, और दिस इज आपका 6 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया ए बी सी डी में जो है सो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब सभी साइड का जो भी मिडिल पॉइंट होगा तो आप यहां पे देख लेंगे, फोर साइड ए बी आप लिखेंगे, ई इज द मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर आपको ए ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू 6/2, उसका आधा हो जाएगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपका 3 सेंटीमीटर होगा, उसी तरह से ए एच इक्वल टू होगा, ऑल्सो लिखिएगा आप यहाँ पे, ऑल्सो ए एच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हर एक तरफ। तो यदि इस ट्रायंगल की यदि बात करते हैं, ट्रायंगल ए ई एच जो है या ई ए एच आप लिखेंगे इन ये राइट एंगल ट्रायंगल ई ए एच, आप यदि इस ट्रायंगल की बात करते हैं ई ए एच, ये राइट ट्रायंगल होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो इस ट्रायंगल में जब आप बात करेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस कहलाएगा, एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है आप क्या लिखेंगे, ई एच स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड दैट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज आप लिखेंगे दैट इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर। यहां तक आप इसको लिखेंगे, दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे ई एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना होगा, ये आपका 3 स्क्वायर प्लस ये भी आपका 3 स्क्वायर, और ये जब करेंगे देखेंगे आप ई एच स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 18। अब आप यदि ई एफ जी एच का एरिया निकालना है तो आप क्या जानते हैं कि इस स्क्वायर का यदि एरिया निकालना है तो क्या होगा, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू क्या होगा, आप कोई भी साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी भी साइड का स्क्वायर लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर जो है देखिए ई एच भी एक साइड स्क्वायर है, सीधे आप लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यहां पर आपको बहुत ज्यादा और सोचने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ई एच स्क्वायर आपका निकल गया, इसलिए रूट रूट ओवर या फिर इसका
हर एक साइड निकालने का भी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ई एच स्क्वायर निकला है तो यहाँ ई एच स्क्वायर निकलेगा। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही सुटेबल क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, तो काइंडली लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्लास 7 का है लेकिन बहुत ही काम का है। थैंक यू सो मच।